कहानी शुरू होती है और हमें पता चलता है कि एक स्पेसशिप तबाह होती है और वो एलियन जिसका नाम जॉर्डन है अपने पावर स्टोन्स जिसे जियो क्रिस्टल्स कहते हैं इन क्रिस्टल्स को ऐसे लोगों की तलाश में भेजता है जो इस पावर के काबिल हों क्योंकि वो मरने वाला होता है। इस वक्त इस मूवी की विलन रीटा इन क्रिस्टल्स को हासिल करना चाहती है। एकदम से इस सीन में धमाका होता है और ऐसा दिखाया जाता है कि सब मर गए हैं और वो क्रिस्टल्स भी वहीं दब जाते हैं। अब स्टोरी बहुत साल आगे बढ़ जाती है जहां एक लड़का अपने दूसरे क्लास फेलो को तंग कर रहा होता है और वहां मेन कैरेक्टर जेसन आ जाता है और उसे बचाता है। जिस स्टूडेंट को तंग किया जा रहा होता है उसका नाम बिली होता है। अब जेसन और बिली बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और बहुत सा वक्त साथ गुजारते हैं। एक रात ये दोनों कैंपिंग करने के लिए एक ओल्ड माइनिंग फील्ड में जाते हैं जहां इन्हें एक और लड़का और दो मजीद लड़कियां भी मिलती हैं। इन सबको रात के अंधेरे में एक रोशनी दिखाई देती है जिससे इन सब की क्यूरोसिटी बढ़ जाती है। ये जब इनको देखते हैं कि यहाँ वही जियो क्रिस्टल्स होते हैं जो स्टोरी के शुरू में जॉर्डन एलियन के पास थे, लेकिन इनको कुछ मालूम नहीं है अभी तक कि ये क्या चीज है। ये अभी देख ही रहे होते हैं कि माइनिंग फील्ड की सिक्योरिटी आ जाती है और ये सब क्रिस्टल्स लेकर अपने घरों को भागकर बच जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ फिशरमैन मछलियां पकड़ रहे होते हैं। मछलियों के साथ हमें एक औरत की बॉडी भी नजर आती है और ये रीटा की बॉडी होती है जो स्टोरी की शुरू में जॉर्डन से क्रिस्टल्स हासिल करना चाह रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अगले दिन जब ये सब सुबह सोकर उठते हैं तो इन सब के अंदर पावर आ जाती हैं जो इनकी स्ट्रेंथ और स्पीड बढ़ा देती हैं। उसके अलावा ये सब लंबी लंबी छलांगें भी लगा सकते हैं। ये सब लड़के और लड़कियां ये देखकर परेशान हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि दोबारा उस जगह पर जाया जाए। इस सीन में फिशरमैन जब पुलिस को कंप्लेन करते हैं कि उनको किसी की डेड बॉडी मिली है तो पुलिसमैन जब देखता है तो रीटा की बॉडी एकदम से जिंदा हो जाती है और पुलिसमैन को मारकर शहर की तरफ रवाना हो जाती है। अब ये तीनों लड़के और दोनों लड़कियां अपनी पावर्स को चेक करते हैं और थोड़ी सी बेसिक ट्रेनिंग करते नजर आते हैं। ये सब इसके बाद पानी के नीचे छुपी हुई एक स्पेसशिप में दाखिल होते हैं जिसे देखकर सब हैरान रहते हैं और इन्हें अंदाजा होता है कि जो क्रिस्टल हमें मिले थे वो इसी स्पेसशिप का हिस्सा हो सकते हैं। इस सीन में जॉर्डन एक कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम की शेप में इन सब के सामने आता है और वो बताता है कि अगर ये क्रिस्टल्स तुम सबको मिले हैं तो तुम सब पावर रेंजर्स हो जैसे कि मैं हुआ करता था। अब तुम इन क्रिस्टल्स और प्लैनेट अर्थ की हिफाजत करोगे। दूसरी तरफ रीटा अपनी मैजिक गोल्ड स्टिक पूरी करने के लिए गोल्ड की तलाश में निकली हुई होती है क्योंकि इसकी गोल्ड स्टिक में मैजिक होता है और जो उसकी मदद करती है अपनी आर्मी जगाने के लिए। इस सीन में जेसन और बाकी पावर रेंजर्स फाइट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ताकि रीटा जब अपनी पावर मुकम्मल कर आए तो उसका मुकाबला कर सकें। अब हम देखते हैं कि रीटा एक ज्वेलरी शॉप में जाती है जो वहां से गोल्ड लेती है जो उसकी स्टिक बनाने के काम में आता है और उसके अलावा उसके बाद वो वहाँ पे जब पुलिस आती है तो तबाही मचा के सबको मार देती है। ये सब मॉर्फिंग के लिए उसी स्पेसशिप पर खड़े होते हैं। मॉर्फिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जब ये सब अपनी सोच इकट्ठी करते हैं किसी एक मकसद के लिए तो इन सबको एक यूनिफॉर्म मिल जाता है जो कि रेड ब्लू येलो जैसे कलर्स में होता है। इस यूनिफॉर्म से इनकी ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाया करता है और ये बॉट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो हम आगे जाकर देखेंगे। इस सीन में रीटा अपनी आर्मी को जगा देती है और एक गोल्ड का बहुत बड़ा रोबोट बनाती है। इतनी ही देर में पावर रेंजर्स वहां पहुंच जाते हैं और इन सब से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं जो मूवी में बहुत अच्छे से पेश किया गया है। यहां पे वो गोल्ड का बना हुआ रोबोट शहर की तरफ चला जाता है और ये तमाम पावर रेंजर्स अपने बॉट्स में बैठकर शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं ताकि उसको नुकसान करने से रोका जा सके। यहाँ पे तमाम पावर रेंजर्स अपने बॉट्स को इकट्ठा कर लेते और एक बहुत बड़ा जॉइंट रोबोट बना लेते हैं जिसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये सब मिलकर बहुत अच्छी फाइट करते हैं और रीटा और उसके जॉइंट रोबोट को हरा देते हैं और उसकी तमाम आर्मी को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे शहर का नुकसान तो होता है लेकिन बड़े नुकसान से बच जाते हैं। इसके बाद ये तमाम लोग खुश होते हैं और आइंदा भी प्लैनेट अर्थ की हिफाजत करने का इरादा रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम अपलोड करते रहते हैं जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं।